हाय, आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग का टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सारा का सारा नाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स थे, नाउन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा कुछ मैंने 1 to 6 वीडियो में, 1 to 5th वीडियो जो है, एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 नाउन का, उसमें आपको टोटल नाउन के सारे रूल्स वगैरह हैं। और पार्ट 6 में नाउन से रिलेटेड एरर्स हैं कि किस तरीके से आप एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से नाउन के बाद आज मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउन लेकर के आई हूं। और आज हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन का डेफिनेशंस क्या होता है, और सारे प्रोनाउन से किस तरीके से एरर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम से ही कनेक्टेड है, नाउन था और नाउन के जगह पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। तो कहता है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो कि नाउन के जगह पे, प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पे यूज हो, इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। क्यों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि सीता इज माई डॉटर। ठीक है, सीता जो है डॉटर नहीं, सिस्टर है। सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है। एंड सीता इज अ डांसर। अच्छा लगता है ये सेंटेंस? नहीं। तो हो गया सीता इज माई सिस्टर, सी इज अ डांसर। सीता मेरी बहन है और वो डांसर है। तो यहाँ पे सी जो है वो किसके लिए आ गया? सीता के लिए आ गया ना। तो सीता हमारा क्या है? नाउन। एंड सी जो है वो हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड राम इज अ गुड डांसर। नहीं, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गुड डांसर। राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह क्या है? डांसर है। तो यहाँ पे ये फिर से राम हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और यहाँ पे जो आपका ही है वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो इसके बदले, नाउन के बदले में जो शब्द यूज होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन को टोटल कितने भाग में बांटा गया है? तो प्रोनाउन को टोटल आपका 8 भाग में बांटा गया है। प्रोनाउन के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूजेस प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। यूज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यूजेस नहीं, यूज, अकॉर्डिंग टू यूज प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। यूज के हिसाब से प्रोनाउन को 8 भाग में बांटा गया है। कौन सा 8 भाग होता है? तो नंबर 1 होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 किसकी संख्या होती है? तो पर्सनल प्रोनाउन की। सेकेंड आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फोर्थ होता है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 5वां नंबर पर आता है। इम्फेटिक प्रोनाउन 6ठा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 7वां है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारा 8वां है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। प्रोनाउन टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इन 8 प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये 8 प्रोनाउन किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। जैसे 5 नाउन थे, सभी एक दूसरे से अलग थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम जानेंगे कि 8 प्रोनाउन जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं और इसका क्या रूल्स होते हैं, इन सारे नाउन्स के क्या रूल्स होते हैं। इसके इस पॉइंट में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग अभी सबसे पहले जानेंगे क्या चीज़ के बारे में? तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोनाउन में एक चार्ट दिख रहा होगा और मेरे ख्याल से ये चार्ट जो है वो पूरे का पूरा नाउन का आधार होता है। अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं या आप कोई भी एरर्स को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको ये चार्ट याद होना अनिवार्य है। ठीक है, जब तक अगर आप इस चार्ट को याद नहीं करेंगे तब तक आपको ग्रामर में आगे जा करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहले इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को कितने कैटेगरी में बांटा गया। तो पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्संस। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कितने पर्सन पर टिका हुआ होता है? तो 3 पर्सन पर। 3 पर्सन इसका आधार है। अगर ये 3 पर्सन आपको ज्ञात नहीं है तो आप पर्सनल प्रोनाउन को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, 3 पर्सन। अब आप लोग सुने भी होंगे बचपन से ही, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड
थर्ड पर्सन, ठीक है। इन ये तीन ही पर्सन के ऊपर आपका पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो सुना टिका हुआ है। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है फर्स्ट पर्सन जो आप यहाँ पे देख सके हैं, एक होता है सेकेंड पर्सन एंड एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में फर्स्ट पर्सन का प्रत्येक का अपना एक सब्जेक्टिव, अपना एक पोजेसिव और अपना एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लें कि आखिर फर्स्ट पर्सन होता कौन कौन से है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी। आई जो है वो मतलब इसका कोई क्लियर नहीं है, ये ना ये जरूरत पड़ने पर सिंगुलर भी ले लेता है एंड जरूरत पड़ने पर प्लूरल भी ले लेता है। वी जो है वो हमेशा प्लूरल की श्रेणी में रहता है। तो आई का जो पोजेसिव केस होता है वो होता है माई या माइन, ठीक है। आई का पोजेसिव केस क्या होता है? माई या माइन। अब ये माई और माइन में जो अंतर है वो मुझे मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो आई का पोजेसिव केस क्या होता है? माई या माइन। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अब जैसे कि अगर एग्जांपल के तहत आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका यूज कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशंस लिखती हूँ और उसके तहत आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आम खाता हूँ, ये ट्रांसलेशन रहे, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट है ना, मैं हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। तो यहाँ पे हो जाएगा आई ईट अ मैंगो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आता है दूसरा, हम देखते हैं मेरे पापा आम खाते हैं। यहाँ कौन आम खा रहा है? मैं आम खा रहा हूँ, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ कौन आम खा रहा है? मेरे पापा खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ, कौन खा रहा है? मेरे पापा खा रहे हैं, मेरे पापा आम खाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आई फादर, नहीं ना, यहाँ पे आई फादर तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि सेकेंड लिखा आपका पोजेसिव केस। पोजेसिव केस मतलब, पोजेसिव मतलब क्या होता है? अधिकार्य। पोजेसिव का अर्थ होता है अधिकार, ठीक है। तो जब आपको ये पता चले कि इस चीज के ऊपर आपका अधिकार हो और उसमें मेरे शब्द का यूज हो जाए, ठीक है, मेरे शब्द का। अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे मेरे के जगह पे रहता तुम्हारे, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? मेरे। तो आई का जो अधिकार शब्द जो होता है वो क्या होता है? माई। आई का अधिकार क्या होता है? माई। यू का क्या होता है? योर। वी का क्या होता है? आवर। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता मेरे पापा आम खाते नहीं बल्कि हमारे पापा आम खाते, तो आवर क्या हो जाता? आवर। तो यहाँ पे आई का जो पोजेसिव केस है वो क्या है? माई है। तो इस पिताजी के ऊपर किसका अधिकार है? इस पिताजी के ऊपर किसका अधिकार है? मेरा। तो आई का जो पोजेसिव केस है वो क्या हो गया? माई। तो यहाँ पे हमारा आई फादर ना होकर के क्या हो जाएगा? माई फादर, है ना। इट्स अ मैंगो, मेरे पापा जो है वो क्या करते हैं? आम खाते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे आपको लिख देता हूं मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं, ठीक है, मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। तो फिर से वही वाला केस हो गया, मेरे पापा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माई फादर, ठीक है, नहीं डांटते हैं। तो टेंस जब पढ़ेंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डज नॉट, ठीक है, स्कॉल्ड, ठीक है, माई फादर डज नॉट स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, माई फादर डज नॉट स्कॉल्ड। तो किसे नहीं डांटते हैं? मुझे नहीं डांटते। यहाँ पे कौन प्रभावित हो रहा है? मुझे प्रभावित हो रहा है ना, कौन प्रभावित हो रहा है? तो मुझे प्रभावित हो रहा है। किसे नहीं डांटते हैं? तो मुझे नहीं डांटते हैं। तो आई तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजिटिव केस क्या हो गया हमारा? माई। और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी, माई फादर डजंट स्कॉल्ड मी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे रहता हमारे पापा आम खाते हैं। हमारे मतलब क्या? हम लोग के, है ना, हमारे मतलब
हम लोग के, या यहाँ पे मैं लिख दूँ हम लोग आम खाते हैं, तो यहाँ पे फिर से आप देखोगे फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, आई तो मैं हो गया, वी मतलब हम लोग, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या हो जाएगा, वी होगा, ईट मैंगो, मैंगोज, ठीक है, वी ईट मैंगोज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहां पे मैं आपको लिख दूं हमारे पापा आम खाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी का पॉजेसिव केस, आवर ऑब्जेक्टिव केस अस, तो यहां पे हमारे माई फादर के जगह पे आवर फादर्स, एनी प्रॉब्लम, आवर फादर्स ईट अ मैंगो, सॉरी ईट मैंगोस, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी तरीके से सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन कौन सा है, तो यू, यू जो है वो सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है, यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, जिस तरीके से आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, वी केवल प्लूरल होता है, यू सिंगुलर यानी तुम बोलेंगे तब पर भी यू और तुम लोग बोलते हैं तब पर भी क्या आता है, यू ही आता है। यू का जो पॉजेसिव केस है वो होता है आपका योर या योर्स, एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका यू। बिल्कुल उसी तरीके से थर्ड पर्सन, तो खैर सबसे ज्यादा याद रखने का है आपको, थर्ड पर्सन जो है वो आपके टेंस में बहुत उपयोगी होते हैं, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट नेम और दे, ठीक है। ही का जो पॉजेसिव केस है वो होता है हिज, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का पॉजेसिव केस होता है हर, ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का पॉजेसिव केस होता है इट्स, ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, एंड नेम का पॉजेसिव केस होता है नेम्स, जैसे राम्स आप पढ़े होंगे, राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक, है ना, तो नेम्स एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है नेम, जैसे अगर मान लीजिए राम हेल्प मोहन, है ना, अब मोहन हेल्प राम, राम श्याम में थोड़े चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो नहीं ना, तो यहाँ पे नेम हो गया। दे, दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, तो देयर, एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अब इसमें सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, तो ही जो है वो सिंगुलर है, सी जो है वो सिंगुलर है, सॉरी, एंड इट जो है वो भी सिंगुलर है, नेम है वो भी सिंगुलर है, एंड दे जो है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ही का यूज कहाँ होता है, सी का यूज कहाँ होता है, इट का यूज कहाँ करते हैं, या फिर आई का यूज कहाँ होता है, वी का यूज, आई का यूज तो बता दिए, जब मैं को डिनोट करना है तो आई का यूज करेंगे, हम लोग को डिनोट करना है तो वी का यूज करेंगे, तुम लोग को डिनोट करना है या तुम को डिनोट करना है तो यू का यूज करेंगे, और अगर ही का यूज कब करेंगे, जब किसी पुरुष के लिए सिंगुलर, सिंगुलर पुरुष के लिए हम लोग प्रोनाउन के रूप में लाएंगे तो ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तहत पे हम समझाए थे ना कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें कि राम इज माय ब्रदर, है ना, राम इज माय ब्रदर एंड ही इज अ गुड डांसर, राम इज माई ब्रदर ही इज अ गुड डांसर, तो अब ये जो ही है वो किसके लिए आया, राम के लिए, यानी कि जब भी ही का यूज होगा तो हमेशा सिंगुलर के लिए होगा, वो भी कब, तो जेंडर में याद होगा किसके लिए, तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से सी का जो यूज होता है वो भी आपका होता है फीमेल के लिए, लेकिन जब वो सिंगुलर के फॉर्म में होगा, प्लूरल के लिए नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सीता इज माई फ्रेंड, ठीक है, एंड शी इज अ गुड डांसर, एनी प्रॉब्लम, सीता मेरी दोस्त है और वो भी बहुत अच्छी डांसर है, तो ये ही का जो यूज हो गया वो किसके लिए, मेल के लिए जब वो सिंगुलर के फॉर्म में होगा, सी का यूज जो होता है वो फीमेल के लिए जब भी वो भी सिंगुलर के फॉर्म में होता है और सब्जेक्टिव रूप में होता है, ठीक है। इट, इट का यूज जो है वो निर्जीव के लिए करते हैं, इट का यूज हम यहाँ पे पीछे पढ़ेंगे, बहुत सारा इट का यूज होता है, ऐसे मोस्टली अगर आप प्रोनाउन के ले में लेकर के चलते हैं तो इट का जो यूज है वो किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए, ठीक है। एंड नेम, नेम तो खैर भाई आपका नाम हो ही गया है,
दे का यूज प्लूरल के लिए होता है। अगर मान लो यहाँ पे हम लिख देते राम श्याम सीता, राम श्याम मोहन, और अगर इन लोगों को एक में डिनोट करना है तो दे आ जाएगा। अगर सिर्फ राम रहेगा तो ही आ जाएगा, लेकिन चार पांच ठो फीमेल ही आ जाए तो उसके लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, दे का। ठीक है, अगर चार पांच फीमेल आ जाए तो उसके लिए भी अगर प्रोनाउन लगाना होगा तो दे का, लेकिन अगर एक रहेगा तो किसका यूज होगा, सी का। जैसे राम श्याम मोहन एंड सोहन। ठीक है, ऑल आर माई गुड फ्रेंड्स एंड दे आर गुड डांसर्स। कोई दिक्कत नहीं है, राम श्याम मोहन सोहन कितना है, चार हो गया। ऑल आर माई गुड फ्रेंड्स, मेरे सारे के सारे अच्छे दोस्त है, और साथ ही साथ ये सारे के सारे वे लोग जो हैं वो क्या हैं, डांसर हैं। तो यहाँ पे किसका यूज हो गया, दे का। ठीक है, अगर सिर्फ राम रहता तो ही का। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सीता गीता राधा एंड कविता ऑल आर माई गुड फ्रेंड्स एंड दे आर गुड डांसर्स, क्लियर। लेकिन अगर सीता रहेगा तो सिर्फ हम लोग किसका यूज करेंगे, सी का। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये पर्सन समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को आप अपने माइंड के कोना में एकदम सेट कर लीजिए, तभी जा करके आप आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अभी जैसे हमने क्या पढ़ा कि तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो अगर मान लो कहता है कि इफ डिफरेंट काइंड सम पर्सन कम टुगेदर दे आर अरेंज्ड इन 2-3-1 ऑर्डर। मान लो कि एक साथ सारे पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी है सेकेंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। जैसे कि मान लो कि अगर रहता है कि मैं तुम और सीता यह कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, है ना। अगर बहुत सारे पर्सन एक साथ आ जाएं तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं सीता तुम और मैं यह कर सकते हैं, तुम सीता और मैं यह कर सकते हैं। तो जिसको जो मनाएगा वो बोलेगा, नहीं एक कोई फिक्स तो होना चाहिए। तो वही कह रहा है आपका कि इफ डिफरेंट काइंड सम पर्सन कम टुगेदर दे आर अरेंज्ड इन 2-3-1 ऑर्डर। 2-3-1 ऑर्डर मतलब क्या, 2-4 सेकेंड पर्सन 3-4 थर्ड पर्सन एंड 1-4 फर्स्ट पर्सन। अगर नॉर्मल सेंटेंस हो और उसमें तीनों पर्सन का यूज हुआ हो तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है एंड देन फर्स्ट पर्सन आता है। तो अब यहाँ पे इसी को हम अरेंज कर लेते हैं, टू यानी कि पहले तुम होगा, फिर थ्री उसके बाद सीता होगा एंड तब वन आएगा और मैं यह कर सकते हैं। क्या होगा, यू सीता एंड आई कैन डू दिस। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी आप सेम देखो, यू सीता एंड आई कैन डू एनी थिंग। हम लोग मिल जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, अगर हम लोग मिल जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल सॉरी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो, जरूरी थोड़े है कि जब आएगा तो तीनों पर्सन एक ही साथ आएगा, कभी कभी क्या होता है कि दो ही आता है, कभी कभी दो ही आता है, तो दो में मान लो कि केवल आपको सेकेंड और थर्ड पर्सन हो, केवल सेकेंड और थर्ड पर्सन हो, तो कौन सा, यानी कि पहले थर्ड और बाद में सेकेंड आ जाएगा, फिर से वही औरत लेगा, यानी कि पहले सेकेंड आएगा फिर थर्ड आ जाएगा, फर्स्ट लास्ट में है और फर्स्ट है नहीं, तो पहले सेकेंड और फिर थर्ड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है यू एंड राम, यू एंड राम कैन डू एनी थिंग। अगर मान लो कि दो पर्सन है जिसमें कि आपका सेकेंड पर्सन गायब हो जाए, केवल सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन हो जाए, जैसे कि वह और मैं, सीता और मैं,
राम और मैं बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हो गया आपका थ्री एंड वन, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे राम एंड आई कैन डू एनीथिंग। या मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे कि तुम और मैं अक्सर हम लोग बोलते हैं, तो पहले आपका हो जाएगा यू एंड आई कैन डू एनीथिंग, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस पढ़ने से ये पता चले या कोई लाइन आप बोल रहे हैं जिससे आपको ये पता चले कि आप उससे कुछ निगेटिव होने वाला है, कुछ इल्लीगल होने वाला है, कुछ गैरकानूनी कार्य होने वाला है आपके बोलने भी में भी या आपको सेंटेंस को पढ़ने में भी, तो ये जो 2-3-1 ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है और ये चला जाता है 1-2-3 में, ठीक है। जैसे देखते हैं, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन कम टुगेदर एंड दे डू नॉट बी इलीगल, सॉरी से दे डू एंड बी इलीगल वर्क इन सेंटेंस आर अरेंज्ड इनटू 1-2-3 ऑर्डर। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, यदि अलग अलग प्रकार के पर्सन कम टुगेदर एक साथ आते हैं एंड दे डू और वो करते हैं बी इलीगल कुछ इलीगल काम को, सेंटेंस से पढ़ के आपको ये पता चले आर अरेंज्ड इनटू 1-2-3 ऑर्डर। हम लोग किस में किस ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं, तो 1 में 2 में और 3 में, पहले क्या था 2-3-1 और जब निगेटिव हो जाए सेंटेंस में तब आपका आ जाता है 1-2-3, ठीक है। एग्जांपल आई यू एंड राम, आई फर्स्ट पर्सन यू सेकंड पर्सन एंड राम थर्ड पर्सन, 1-2-3 आई यू एंड राम वर गोइंग टू किल राजू, कोई दिक्कत नहीं है। किल क्या कर रहा है, किल करने जा रहा है, मारने जा रहा है। अब मारने जा रहा है तो कुछ पॉजिटिव कार्य तो कर नहीं रहा है, नेगेटिव कार्य कर रहा है, और नेगेटिव कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 1-2-3। और अगर नॉर्मल रहता है कि तुम मैं और राजू जो है वो ये काम करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, खाने चलते हैं, तो क्या हो जाता 2-3-1, तुम राजू और मैं घूमने चलते हैं, लेकिन यहाँ राम राजू को मारने जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन 1-2-3, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, कहता है कि यदि नोट यहां पे देखेंगे आप, नोट में लिखा हुआ है कि यदि अलग अलग प्रकार के पर्सन एक साथ आए और फर्स्ट पर्सन भी उसमें मौजूद रहे, ठीक है, जैसे कि तीनों का तीनों पर्सन आ गया, तो अधिकार को दर्शाने के लिए आवर का यूज करते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया था, याद अगर होगा तो जब चार्ट समझा रही थी तो क्या बताया था कि अगर मान लेते हैं कि अधिकार को मेरे ऊपर अगर किसी के अधिकार को दर्शाना है, जैसे मेरे पिताजी हैं तो मेरे का अधिकार दर्शा रहा है तो इसलिए माई का हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे है अगर यू का अधिकार करेंगे तो योर हो जाएगा, जैसे तुम्हारे पापा तो योर फादर है ना, तुम्हारा बुक योर बुक, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फादर तो आवर फादर्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि आपका तीनों का तीनों पर्सन है, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, और उसमें अधिकार को दर्शाना हो तब कैसे दर्शाएंगे, तब उसके लिए एकमात्र होता है हमारा आवर से हम लोग अधिकार को दर्शाते हैं। जैसे कि क्या कह रहा है, यू राम एंड आई, नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्या लग गया आपका 2-3-1, 2-3-1, यू राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर टास्क, तुम राम और मैं अपना काम खत्म कर चुके हैं। आमतौर पर ये सेंटेंस हम बोलते हैं ना, अपना काम कर चुके हैं, तो अपना मतलब पोजेसिव हो गया, और पोजेसिव जब हो गया तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, आवर का। क्या बोला है, यदि अलग अलग प्रकार के पर्सन एक साथ आए और फर्स्ट पर्सन भी उसमें मौजूद रहे तो अधिकार को दर्शाने के लिए आवर का यूज करते हैं, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ पे, आवर लगेगा नॉर्मल वे में, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि अलग अलग प्रकार के पर्सन एक साथ हों और फर्स्ट पर्सन का यूज उसमें ना हो, लेकिन जब सारे पर्सन आ जाए लेकिन उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं होगा तो अधिकार को दर्शाने के लिए आवर का नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे, योर का। यदि अलग अलग प्रकार के पर्सन एक साथ हों और फर्स्ट पर्सन का यूज उनमें ना हो तो अधिकार को दर्शाने के लिए योर का यूज करते हैं, और यदि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जो है वो एक साथ अगर आ जाता है तो उसके लिए हम लोगों का अधिकार हो जाएगा कौन सा, तो आवर। लेकिन यदि अगर हमारा अपना अपना पर्सन है, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो उसका पॉजिटिव केस क्या हो गया, माई, आई का माई, आवर वी का आवर, यू अगर हो गया तो यू
यू का पॉजेसिव केस योर, सी है तो उसका हर, ही है तो उसका हिज, दे है तो उसका देयर, लेकिन अगर तीनों पर्सन आ गए तो उसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा हमारा, आवर, और अगर सारे पर्सन आए लेकिन उसमें फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं हो तब हमारा पॉजेसिव केस हो जाएगा योर। एग्जाम्पल कहता है इसका, यू एंड राम हैव फिनिश्ड योर टास्क। ठीक है, यू एंड राम क्या बताए थे कि अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो टू थ्री वन लगता है और अगर उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, टू एंड थ्री। तो यू एंड राम हैव फिनिश्ड योर टास्क, यू एंड राम हैव फिनिश्ड हिज टास्क अगर हम बोल दें तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है आपका कि इफ वन प्लस वर्ब इज यूज इन द सेंस ऑफ एवरीबॉडी, यदि आपका वन रहे और उसके साथ डायरेक्ट वर्ब आ जाता है और वो इस सेंस में यूज करे कि सभी को दर्शाना है, एनीबॉडी दैट गेट पोजेशन बाई वंस, तब उसका अधिकार अगर दर्शाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का, वंस का। जैसे वंस शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर बोलते हैं ना, वन शुड रिस्पेक्ट वन सिल्डर, तो उसी तरीके से इफ वन प्लस वर्ब, तो यहाँ पे आपका वन आया प्लस वर्ब आया है ना, यानी ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया मॉडल वर्ब और ये हमारा हो गया मेन वर्ब, हो गया ना। तो वन प्लस वर्ब इज यूज इन द सेंस ऑफ एवरीबॉडी, वन मस्ट हेल्प वन्स फ्रेंड इन ट्रबल, प्रत्येक को अपने दोस्त की ट्रबल में हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे किसका, ये वन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एवरीबॉडी या एनीबॉडी, तो दैट गेट पोजेशन बाई वन्स, तब हम लोग इसका अधिकार जो है वो अपोस्ट्रॉफी एस के माध्यम से दर्शाते हैं। एनी प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे वन मस्ट हेल्प वन्स फ्रेंड इन ट्रबल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे इट का यूज, जैसा कि मैंने आपको इट का बताया था कि बहुत सारा यूज होता है इट का, ही और सी का क्या क्या होता है, बहुत ही एक एक लाइन का नॉर्मल सा था इसलिए वहीं पे समझा दी थी। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इट का, इट कम्स टू डिनोट अ सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग, नॉर्मल फॉर्म में बताया था आपको कि निर्जीव को अगर वह के संदर्भ में दर्शाना होता है तो उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। आई हैव अ मोबाइल, इट इज ओल्ड, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, इट इज ओल्ड, तो ये जो इट है वो किसके लिए आया, मोबाइल के लिए, कि वह पुराना है, तो क्या पुराना है, आई पुराना है नहीं ना, तो मोबाइल पुराना है, तो इट यहाँ पे मोबाइल निर्जीव, इट उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मोबाइल हमारा नाउन हो गया एंड इट हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है आपका इट का रूल टू कहता है कि इट कम्स टू डिनोट एन एनिमल, अगर हम लोगों को किसी एनिमल वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का। आई हैव अ डॉग, इट इज ब्लैक, मेरे पास एक कुत्ता है और वह काला, कुत्ता काला है तो उसके लिए सी इज ब्लैक या ही इज ब्लैक तो नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आपको किसी एनिमल को वह या यह में डिनोट करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का। इट कम्स टू डिनोट एन एनिमल, कोई दिक्कत नहीं है। इट कम्स टू डिनोट अ स्मॉल लिटिल बॉय, अगर किसी छोटे बच्चों को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है या उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का। आई हैव अ सन, इट इज 5 years old, केवल किसके लिए, बॉय के लिए, नॉट गर्ल के लिए, केवल बॉय के लिए अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसका इट का यूज करते हैं कि मेरा एक बेटा है, इट इज 5 years old। सिंपल सा चीज है, ये जो इट है वो किसके लिए आया, बॉय, सन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इट कम्स टू इंट्रोड्यूस ऑफ नेचुरल रूल और इवेंट, ऐसे एक रूल होता है कि जब आपको सेंटेंस में ये पता ना चले कि इसका सब्जेक्ट कौन है तो उसमें हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट को, वो रिप्रेजेंट करता है इट उसका एज अ सब्जेक्ट के रूप में। तो वही कहता है कि जब किसी नेचुरल इवेंट यानी प्राकृतिक घटना को दर्शाना हो तो उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, जैसे इट इज रेनिंग नाउ, बारिश हो रही है, इट इज संडे टूजे, आज संडे है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लास्ट इट का रूल होता है, इट कम्स टू मेक एन इम्फैटिक सेंस, अगर आपके सेंटेंस को प्रभावशाली बनाना हो, एकदम इंपॉर्टेंट बनाना हो, इम्फैटिक मतलब क्या होता है, जोरदार, एकदम जोरदार या प्रभावशाली बनाना हो तो उसके लिए भी हम लोग इट का यूज करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर होता है इट प्लस इज या वॉज, या इट रहेगा, इट के आगे या तो इज रहे या फिर वॉज रहे और प्लस सब्जेक्ट रहेगा, जैसे इट इज आई, यह मैं हूं, हु कैन डू दिस वर्क, जो कि यह काम
किया, जैसे मान लो कि कुछ होता ना, किसने ये काम किया, किस कौन ऐसा कर सकता है, तो क्या बोलता है, यह मैं ही हूं जिसने ये काम किया, तो इट इज आई हु कैन डू दिस वर्क। तो ये आज का वीडियो है, और आज के वीडियो में आप जाने कि कितने प्रोनाउंस होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन हम लोग किसको कहते हैं, उसमें इट का यूज क्या होता है और किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही है, ये आपका प्रोनाउन का पार्ट वन है। मैं कल आपके लिए फिर से प्रोनाउन का पार्ट टू लेकर के आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।